कौन रहता सितमारा रे
मां कर्मा ने जन्म दिया, राहु पिता हमारा रे, काशी नगर मजार समझ ले, मांडू काम हमारा है। ताता हरिनन रतन कोर का यु पोत्र रैदास चमारा है, अरे चमारू मैं। और इतनी सुनकर तो ब्राह्मण फिर के होना था, आग वो बोला होगी और के कहने लगे थी सुनकर। दास ने रखा है यूट्यूब पे श्री हरिदास आश्रम, श्री हरिदास आश्रम यूट्यूब पे सर्च करना, उड़े संजय दास तुरंत निकल के आओगा। और फिर ये पूरा किस्सा जो सुनना हो ना, उड़े चैनल पे सुनो, बढ़िया मीठी आवाज स्टूडियो की रिकॉर्डिंग। अरे जड़ा जड़ा हम सत्संग करें ना, यहाँ की भी वाणी हम डाल देते, चैनल तो चलो लाए डाल तो देते, पर ये पहले ही डल रही है तो डबल नहीं कर सकते। और यदि कोई नई वाणी गाते तो फिर चैनल पे सिरसली का नाम तो आएगा, चाहे किसी की देर नहीं पड़ो, एक वाणी थोड़ा दे रहेंगे भाई। तो श्री हरिदास आश्रम धोगढ़ एक ऐसा धाम, भाई धाम तो धाम ही हुए, जड़े महापुरुषों की तस्वीर लग जाना वो भी धाम हो जाए। यहाँ बाबा रविदास जी, सदगुरु रविदास जी महाराज, समनदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज, महापुरुषों की तस्वीरें लगी तो यो भी धाम बन गया। जब तक यहाँ सत्संग चल रहा है यो भी धाम बन गया। संत जहां जहां पर भी अपने चरणों की रजा धूरी डाल दिया करते हैं वो धाम बन जाया करते हैं। और ये भ्रम नहीं करना प्रेमियों कि मैं लंबी लंबी लटा कर लियो, कपड़े रंग लू, कंठी माला ले लू, मेरे साधु बन जाऊ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो राजपाल ने पहले बता दिया जो इच्छे बनेंगे सारे, इवन कहोगे सारे, सारे का मतलब वे सारे जो रविदास के मार्ग पर नहीं चलते, जो सतगुरु महाराज की बताई राही पर नहीं चलते। तो वचन न माना सत को डाला जा पूछा, और भोगे अपने भोग कर्मों के बदला। राजा हो या फकीर तेरा कर्म करना, यदि तने साधु के वेश में गलत कर्म कर दिया, अरे साधु का वेश बना के रावण ने सीता हरी थी तो लंका का नाश हुआ था। वेश बनाने से पार नहीं उतरोगे, कभी नहीं सोचते हो बतेरे तो कर्जे के मारो करते फकीर बन के चलते हैं, बतेरे घराड़ी पीटे बालक पीटे उड़े चलो भाई, हाथ से मर्डर हो जाए चुल्ला सीधा हो जाए न बापा बन जाओ, क्यों न बापाओं को कोई चेक नहीं करता। पर वो अदालत, वो रविदास महाराज की अदालत कभी किसी को बख्शीश नहीं करेगी। उन्होंने तो ब्राह्मणों को नहीं बख्शा जो लाम मेला अमृत तिलक करे, डेली गंगा ना होए, डेली यज्ञ मन करे, उन्होंने नहीं बख्शा, सारू को डेढ़ बनाया डेढ़। तो वे प्रेमियों फकीरी ये बैठी है ना, ये जगजननी बैठी है, इनकी कोख से मातारी तू सुंदरी तन जाय साधु भूते, जो साधु ना जामती साय जाते जननी तो जननी अरे एक साथ हूं बन के चार बड़ा 12 साल तपस्या करी, समाधि में उठ गया, फिर समाधि में बैठन वाला संसार में कुछ नहीं। एक कग्गा अरे कौवा हाँ तो पर लेकर कग्गा जानो हो ना, कग्गा कहाँ कहाँ करे मेरे बाबा का ध्यान डी गए, उन्हें तिर तिर करके उड़ा दिया। और कग्गे की ईशी आने तो जड़े तो उड़ावे ना, फिर उड़े ही आएगा
बाबा ने प्रोत्यो नतीजे मारी खेजी वो जी चढ़ाई और थोड़ी चढ़ी ना होगी वो कवा फेराने के काय काय वही कर लेंगे साधु मैंने फेर लखाया ना फिर तीर्थी के नलों पर गाय दिया फिर बैठा वो फेर आ गया तीसरी बार और जब तीसरी बार आ गया ऊपर को लामान करी ना कपियो जब शम उड़ जड़ कर गया 12 साल की ठप सारी लगा दी कौवा भसम करने में और न्यू सोचा तू सिद्ध हो गया और फिर भी तो छोड़ के चल पड़ा जैसा ही वो के काम ऐसी असली शरणावली शरणावली में आ गया और कोई कश्ती नो कलर बाबाड़ा कुटी बना ली और नहीं इमाम खाने के लिए और अब बाम पे लड़ाओ तो तीर भी चढ़ रही और कौवा पसंद करा क्या था फिर के जो पूरी एक दुआरे पे जा और टीके तो नमाई भिक्षा और उड़ा जोड़ बढ़ती राजपाल भर का कोई एक जोड़ा रहे था उस नगरी में द्रमपत्नी पतिव्रता द्रम गुरुमुखी जीव और वो पति की सेवा कर रही पैर दबा रही और उड़ा बाबा आ गया बाबा कह लेगा लोग माई भिक्षा कह लेगी बाबा ठहर ही नहीं आई वो पति की सेवा करी थी ये जानता सुनियो बहुत बढ़िया बात है या छोटी बात नहीं इसमें ये तुम भी धारण कर लोगे ना मेरा पार हो जाएगा बाबा खड़ा लेकिन वन नहीं आई क्यों पति के पैर दबा रही थी यदि पैर छोड़ दे तो पतिव्रता धर्म टूट जा और भिक्षा ना दे तो गृहस्थी धर्म जाता रहेगा धर्म संकट में फंस गई बिचारी साधु ने फिर कहा हे माई तू भिक्षा जा रहे कि नहीं उन्होंने सोचा तू ढाडू का बोल तेरा पति जाग जगह तो चली जाए उन्होंने बाबा ठहर में आई पति की आंख नहीं खुली गहरी नींद में होनी बाणी होने को बनाई और पापा की तो तीड़ी चढ़ती चली आई क्यों कौवा भी तो नू ही करा था कौवा भसम भी तो नू ही करा था ना और तीसरी बार वो कहते लाल हे भाई तू भिक्षा डाले कि नहीं कहना पापा ठहर मैं वो बनता कौवा नहीं कि हो जा भसम थोड़ा पैर चढ़ेगी मार टीकी सकती भाई तेरा भला हो जाए मैं तो 12 कोस दूर कराया था वो भसम और इसे क्यों कर पता चल गया नु कह लगा ए बेबे भिक्षा दे अरे तू दर्शन दे दे ए बेबे तू भिक्षा दे अरे मने दर्शन दे दे वो कौवा तो मैं 12 कोस दूर आज से 6 साल पहले 12 साल पहले भसम कराया था तेरे को क्यों कर पता चल गया देखो बाबा जीव तेरे पहली बार का नॉर्माई भिक्षा जावे जीव तेरी समाधि लगी हुई मन दिखाई थी जड़ा तू पढ़ में समाधि ला दी है फिर जब तेरा दूसरा क्या ना फिर मन तेरी समाधि टूटी हुई नजर आई तू कौवा उड़ाता नजर आया और जीव तीसरी बार तेरा क्या ना तो फिर मनो कौवा जड़ता नू गिरता तेरा नजर आया बेटे तेरा सतगुरु साचा कि तेरा सतगुरु कौन है मेरे सतगुरु रविदास महाराज है मन के नाम का जाप करे करूं और मेरा मन चंगा प्रकट होती में गंगा बोलो साधु से मागे अरे क्यों कर चढ़ गया गंगे घाट पर तू गंगा में नहाया रे सभी को नहीं माना आप बड़ा डराया सभी को नहीं माना आप बड़ा डराया जरा नहीं
जरा भी नहीं घबराया, यू ब्राह्मणों का बात है। Oh,
संत श्रोमणी